गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो हमारे क्वेश्चंस है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर का है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चंस आपको 9th क्लास में भी मिलेगा, है ना, तो अभी से ही इसको अच्छा से देख लीजिए, 9th क्लास में काम आएगा, 8th में तो काम आएगा ही। चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या है, समझो। If x plus 1 by x equal to 6, if x plus 1 by x equal to 6, find the value of x square plus 1 by x square। देखिए questions में क्या है, if x plus 1 by x equal to 6 है तो find the value of x square plus 1 by x square, मतलब ये हमारा दिया हुआ है और इसका value क्या होगा ये find करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस questions को हम लोग कैसे solve करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्या करना है इसके लिए, सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू सिक्स, और हम लोग को किस फॉर्म में लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्म में लाना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन दिया हुआ इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब तक आप स्क्वायर नहीं कीजिएगा तो ये आएगा कहां से, क्योंकि एक्स स्क्वायर बनना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये जो अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी यूज करके, वो हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी है, शायद आप लोग को मालूम होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इस आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व करना है। तो ये जो x है इसको a मान लो और ये 1 बाय एक्स को b मान लेंगे, इस x को a मान लेंगे और ये 1 बाय एक्स को b मान लेंगे। तो क्या है, देखिए a के जगह पे हमारा x है और b यहाँ पे जो है ये 1 बाय एक्स किसके जगह पे, b के जगह पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए स्क्वायर है, देखिए a के जगह पे हमने क्या लिया, x, तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे 1 बाय एक्स है तो 1 बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे x है इंटू बी के जगह पे 1 बाय एक्स हो गया, और अगर 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पे क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और ये स्क्वायर इसके लिए भी इसके लिए भी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब इस 2 को उस तरफ ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 में 2 माइनस कर देंगे तो 34 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम कौन सा आइडेंटिटीज को यूज किए, हमने इस आइडेंटिटीज को यूज किया है, इस आइडेंटिटी को याद कर लेना, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो इफ एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू 8, अभी जो पहले क्वेश्चन देखे उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें प्लस था इसमें क्या था माइनस है, और फाइंड वही चीज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर ही फाइंड करना है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर भी फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा सो, तो इफ एक्स माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू 8 है, मतलब हमारा गिवन में क्या है, x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू 8 है ये दिया हुआ है, और हम लोग को क्या लाना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जब तक हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो ये चीज आएगा ही नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हमारा एट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या लगता है यहां पे कौन सा आइडेंटिटी आया होगा, यहां पे जो आइडेंटिटी यूज होगा वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको यूज करेंगे। तो क्या होगा देखो, तो इसको a मान लेते हैं, ये जो x है इसको a मान लेते हैं, वन बाय एक्स को b मान लेते हैं, ठीक। तो क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो a की जगह पे यहाँ x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे a स्क्वायर है और यहाँ पे फिर प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह पे वन बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर है माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए के जगह पे फिर x है, इंटू बी के जगह पे वन बाय एक्स है, और ये एट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक। यहां से x x को कैंसिल कर देंगे, अब ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू 64 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस टू को उस तरफ ले चलो, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस टू हो जाएगा। अब इस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 और टू को प्लस कर देंगे तो 66 आएगा। देखिए एक हमारा आंसर आ गया, जो कि ये लर्नर था। तो ये तो बहुत आसान था, यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन बताया है, ठीक। अब देखिए क्या है, सो अब क्या है कि एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर लाना है, मतलब कहीं ना कहीं फिर इस इक्वेशंस को क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे तो कहां से आएगा एक्स फोर, तो फिर क्या करेंगे, सो देखो अब लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो गया देखे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हमारा है 66 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अब ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ये भी हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिख सकते हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर है तो b, ये पूरा b मान, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो बी स्क्वायर है तो b की जगह पे वन बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए प्लस टू ए बी है तो प्लस टू इंटू ए, तो a की जगह पे एक्स स्क्वायर है और b के जगह पे 1 बाय एक्स स्क्वायर है और इधर से हमारा 66 का स्क्वायर है, तो 66 का स्क्वायर मतलब 66 इंटू 66 करेंगे, 6 36 के 6 हो गया, 6 36 और 3 39 396 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 मतलब 6 9 6 15 के 5 हो गया, 9 3 12 एक 13 के 3 और 3 और 1 4 हो गया, 4 3 5 6, मतलब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 66 का जो स्क्वायर होगा वो हमारा 4 3 5 6 होगा, 4 3 5 6 66 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा सो देखो, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये एक्स फोर हो जाएगा प्लस ये वन, वन का स्क्वायर तो वन और एक्स स्क्वायर तो एक्स फोर हो जाएगा, ये प्लस यहाँ पे टू हो गया और उधर से हो गया 4 3 5 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको इसका वैल्यू निकालना है, देखिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स फोर का वैल्यू निकालना, एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर का वैल्यू निकालना, इसको उस तरफ ले चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर इक्वल टू 4 3 5 6 माइनस टू हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर इक्वल टू
इसमें माइनस कर देंगे तो 4, 3, 5, 4 हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप इसको वीडियो को देख लीजिए, है ना, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ खास वैसा नहीं था, ठीक है, सिर्फ स्क्वायरिंग करते गए हैं यहाँ पे। और ये दो आइडेंटिटीज जो है ये आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मैथ्स नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उस सब क्वेश्चन से। उसमें क्या था, x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दे रखा था और ये फाइंड करना था। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, ये फाइंड करना है। थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस चीज को समझते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसको देखो कैसे इसको सॉल्व करें। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 62 है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 62 है और ये चीज हमको सॉल्व करके लाना है। ठीक, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत आसान तरीका है कि अगर मान लो प्लस वाला अगर लाना रहेगा तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, और अगर माइनस का आंसर लाना रहेगा तो दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो लिखेंगे एडिंग 2 बोथ साइड्स, तो क्या होगा, जब 2 दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इधर होगा 62 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 64 हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है सो देखो, अब इसके बाद क्या करना है, इसको ना इस फॉर्मूले पे सेट करने का कोशिश कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो भी बताए थे इसमें उल्टा करके ले रहे थे। क्या बताया था उसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख सकते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में इसको सेट करने का कोशिश कीजिए, इस फॉर्म में। तो देखिए तो क्या होगा, ये तो चलो ए स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर इसको वन बाय एक्स का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे, बी स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए के जगह पे कितना एक्स इंटू बी के जगह पे 1 बाय एक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसको कहाँ से ला दिए, ये तो यहाँ है नहीं। देखिए कोई फर्क नहीं, अगर हम इसको लिख भी देते हैं तो ये एक्स एक्स कैंसिल होकर फिर वही चीज आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस फॉर्मूला में सेट हो इसीलिए। और इधर से हमारा क्या हो जाएगा 64 आ गया। ठीक, अब यहां से देखिए तो यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 64। ठीक, और यहां से जब अगर हम एक्स प्लस वन बाय एक्स निकालेंगे तो ये स्क्वायर में तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 64, मतलब एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ नहीं किया, देखिए क्या किया सो देखिए, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 62 जो कि लिख दिए, और हमको फाइंड करना था उसमें क्या लाना था एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस वाला फॉर्मूला देखिएगा, ये था ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, तो उसी फॉर्मूला पे सेट करें। तो ये हो गया, इसमें क्या लिखे यहाँ पे देखिए एडिंग टू बोथ साइड्स, दो इसलिए ऐड किया है कि यहाँ पे 2 इसमें फॉर्मूला में 2 है, यहाँ 2 नहीं दिख रहा था इसलिए 2 ऐड कर दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐड कर दिए, इधर भी 2 ऐड कर दिए, तो 62 और 2 64 हो गया, यहाँ पे प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे सो देखिए, अब यहाँ पे ए और बी भी लिखा हुआ है,
जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक जगह पे एक्स है, बी के जगह पे वन बाय एक्स, तो वही एक जगह पे एक यहाँ पे एक्स और वन बाय एक्स लिख दिए। अगर लिख दिया तो उससे कोई फर्क होने वाला नहीं, एक्स एक्स कट के वही चीज आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो क्या हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी का फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे वन बाय एक्स का स्क्वायर हो गया, इधर 64 हो गया। आप एक्स प्लस वन बाय एक्स निकालेंगे तो अंडर रूट 64 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका 8 हो गया आंसर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। देखिए ये जो सेकेंड पार्ट है ना, ये जो सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। ऐसा करते हैं ना, ये जो सेकेंड पार्ट है इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से बताने का कोशिश करते हैं, दूसरा मेथड इसमें अप्लाई कर देते हैं। अगर ये मेथड अगर आपको अच्छा लगेगा तो फर्स्ट वाला में भी इसी को अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, इसको जो है ना यहाँ पे क्या x माइनस वन बाय एक्स है, फाइंड करना है। इधर से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 62 है, ये दिया हुआ है, ये फाइंड करना। तो ऐसा करो ना, ये जो एक फॉर्मूला था ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना, इसी में इसको सेट करते हैं, लिखने का कोशिश करते हैं। क्या बताइए, तो एक्स माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर क्या होगा, बोलिए तो ए का स्क्वायर, तो ए के जगह पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पे कितना वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए के जगह पे एक्स है इंटू बी के जगह पे वन बाय एक्स है। इस तरह से कोशिश करते हैं इसको बनाने का। ठीक है, हमको लगता है ये आपको आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, सो अब इसके ये तो फॉर्मूला है, हम इसको फॉर्मूला पे ऐसे सेट किए। अब यहाँ से समझिए, ये हमको फाइंड करना है, तो इसको लिखो x माइनस वन बाय एक्स का स्क्वायर, और इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ दिया हुआ, कितना दिया 62, यहाँ पे 62 रख देते हैं माइनस। अब देखिए ये x x कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वन बाय एक्स का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे x माइनस वन बाय एक्स तो ये अंडर रूट हो जाएगा 60। तो 60 का स्क्वायर रूट निकाल दो, 60 कितना तोड़ो 2 से 30, 2 से 15, देखो इसका पेयर आ जाएगा इसका नहीं आएगा। तो जब पेयर आ जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो गया, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा